हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? सीनियर केजी में हिंदी मेरा पहला अक्षर, ये आपके बुक का नाम है। इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताई थी कि आप लोग बुक ले लें, उसमें नाम लिखा हुआ है। तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको एक शेर और चूहे की कहानी बताई थी, है ना। आपको मैंने पिक्चर भी बताई थी, शेर चूहे की कहानी भी बताई थी कि कैसे उसको हम क्या करता है, शेर छोटा सा चूहा बड़े शेर के ऊपर चढ़ जाता है, फिर उसकी जान बचाता है, ऐसा है ना। उसके बाद में मैंने बताई थी हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको स्वर बताई थी, है ना। स्वर बताने में मतलब मैंने उसमें आई ई ऊ ए आई ओ औ री ये सब पूरा बताई थी मैंने आपको। अब उसी स्वर के बाद में मैं आपको व्यंजन, क्या आता है व्यंजन, ये आपकी बुक में व्यंजन दिया हुआ है, ये है व्यंजन। और कुछ पिक्चर भी दिए हुए हैं, इसी तरह मैंने बोर्ड पे भी बनाई हूँ ये पिक्चर, और आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी इसको। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर के बाद में क्या पढ़ेंगे, व्यंजन, है ना। तो व्यंजन में देखिए, मैंने कुछ पिक्चर भी बनाई हूँ और कुछ व्यंजन भी लिखी हूँ। तो अब मैं जैसे बोलूँगी वैसे आप मेरे साथ बोलना है। तो क ख ग घ अंग, ये क्या हो गए, व्यंजन हो गए। क ख ग घ अंग, अब इसको जैसे तेजी से पढ़ना है तो क क ख ग घ अंग, कैसे पढ़ लिया हमने, क ख ग घ अंग। और एक एक शब्द पढ़ना है तो क ख ग घ अंग, इस तरह से पढ़ लिया। अब क से क्या बनता है उसमें ये भी बता देती हूँ। तो क क से क कमल का बोलते हैं, है ना। क से क कमल का, ख से ख खरगोश का, ग से ग गमले का, घ से घ घर का, और अंग, है ना। यानी ये चार शब्दों से कुछ बना और अंग से कुछ नहीं रहता है, तो उसको हम सर्कल कर देते हैं। ओके, तो फिर क कमल का, ख खरगोश का, ग गमले का, घ घर का। ओके, तो ये हो गया, है ना। तो ये तो क ख ग घ अंग। अब इसके बाद दूसरी लाइन क्या आ रही है, च छ ज झ ञ, यानी च चम्मच का, छ छाते का, ज जहाज का, ज झरने का, ञ। ओके, तो ये हो गया च छ ज झ ञ। अब इसमें जैसे मतलब बताना है कि इसके पिक्चर किस तरह से है, तो ये मतलब बताएंगे कि च से च चरखे का, च से च चरखे का, च चम्मच का भी होता है, च से च चरखे का, छ से छ छाते का, फिर ज से ज जहाज का, फिर ज से ज झरने का, इयम इयम में कुछ नहीं मिलता तो हमने सर्कल कर दिए। ओके, तो ये हो गए एक मतलब क ख ग घ अंग, च छ ज झ इयम, ये मैंने आपको यहाँ तक इसको। तो स्टूडेंट हमने अभी क्या पढ़े थे, ये व्यंजन। अब यहाँ पर हमने एक एक शब्द लिखे थे, और इसी शब्द से जैसे क से क्या बनता है, मैंने बताई थी कमल, तो ये कमल, यानी क क कमल का, म ल क कमल का, म मछली का, ल लड़की का, तो क म ल। ओके, उसके बाद ख से खरगोश, तो मैंने ख शब्द बताई थी और एक चित्र बनाई थी, लेकिन खरगोश कैसे लिखते हैं, ख र गो श श शक्कर का श, तो ख खरगोश का ख, र रस्सी का र, ग गणेश का ग, और श, तो ये हो गए खरगोश। इसके बाद आता है ग से गमला। अब गमला कैसे लिखेंगे, ग म ल में आ की मात्रा ला, गमला। उसके बाद आता है घ घर का, तो घ र, यानी कमल खरगोश गमला घर, ये शब्द इनसे बन गए। जो व्यंजन पढ़े थे उससे हमने क्या बनाए, बाद में शब्द बनाए, यानी एक व्यंजन पढ़े थे क ख ग घ अंग, फिर उससे हमने शब्द बना दिए कि कमल खरगोश गमला घर। ओके, अब होता है च छ ज झ ञ, है ना। तो ये च छाते च चरखे का, च चरखे का, चरखा, तो च र खा चरखा, छाता, छ से छाता, तो छत्री छतरी, तो ये छ और तम तमे त्रमे ई की मात्रा, लेकिन इसको हम छतरी भी पढ़ सकते हैं, छतरी ऐसे करके। तो मैं इसको
वैसे भी लिख के बताती हूँ आपको कि ये कैसे लिखा जाएगा। आपकी बुक में जिस तरह से लिखा है उस तरह से लिख के मैं बता देती हूँ। तो त और री, छ त री, ऐसे करके। तो ये वो पहले त्री बताए थे, तो त्री लगाए थे तो उसमें त नहीं लगाए थे, ये री नहीं लगाए थे, सॉरी री और त नहीं लगाए थे, तो उसमें दोनों शब्द का वो आ गया था। तो छ त री, आपकी बुक में छतरी लिखा हुआ है, ओके। फिर छ से छतरी, इसको छाता भी बोलते हैं। उसके बाद में ज से जहाज, तो ज हम हा ज जहाज। फिर झ से झरना, तो झ र ना में आ की मात्रा ना, झरना। तो ये च छ ज झ ञ से क्या बना, चरखा, छतरी, जहाज, झरना, ये शब्द बने। तो अब इसको हम एक बार फिर से पूरा पढ़ लेते हैं। तो क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ञ। उसके बाद में च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, अंग, सॉरी ये अंग और ये ञ, ओके, ये दो से शब्द नहीं बनते। तो ये आपको इतना मैंने बताई। अब मैं इसके आगे का भी थोड़ा सा आपको लिख के बताती हूँ। और तो स्टूडेंट, हमने कहाँ तक पढ़े थे, झ झरने और ञ, ओके, तो वहाँ तक पढ़े थे, यानी क ख ग घ अंग च छ झ झ ञ तक। अब हम उसी के आगे पढ़ेंगे ट से, ये ट टमाटर से ना, तो ट टमाटर से हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन। तो ट ठ ड ढ ण, ओके, क्या है, ट ठ ड ढ ण है ना। उसके बाद में त ठ ड ढ ण, यानी क ख ग घ अंग च छ झ झ ञ, ट ठ ड ढ ढ, त ठ द ध न, हमने अभी यहाँ तक इसको पढ़े। अब ट से क्या बनता है, टमाटर। ठ से क्या बनता है, ठटेरा, ठटेरा या ठप्पा, ओके। ड से डबरू, ढ से ढक्कन, और ड से कुछ भी नहीं बनता, ओके। उसके बाद में त से तबला, ध से थर्मस, द से दमकल, यानी जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है वो, और द से दवा भी होता है। ध से धनुष, न से नल, ओके। तो ये शब्द ऐसे बनते हैं, ये इस तरह से। तो ये शब्द है, ये है ना, ध से धनुष, न से नल, ओके। तो फिर ट टमाटर का, ठ ठटे ठप्पे का, ड डबरू का, ढ ढक्कन का, ण ठ तबले का, ठ थर्मस का, द दमकल का, ध धनुष का, न नल का, ये हो गया। हम जो है इस तरह से, ये है व्यंजन। तो ये ट टमाटर का, ठ ठटेरे का, ठ ठप्पे का, ढ डबरू का, ढ ढक्कन का, ण थ तबले का, थ थर्मस का, द दमकल का, द धनुष का, न नल का, ये हो गए व्यंजन का एक। किसके बाद के, क ख ग घ ञ, च छ झ झ न, च छ झ झ अंग, फिर ट क ख ग घ अंग, च छ झ झ ञ, ट ठ ड ढ ण, फिर त थ द ध न, यानी ये न तक मैंने पढ़ाई। अब इसके शब्द क्या बनते हैं वो बताती हूँ। तो हमने ये पढ़े थे कैसे, ट ठ ड ढ ये और त थ द ध न, इस टाइप से। उसके बाद अब इनसे शब्द कैसे बनेंगे वो भी बताती हूँ, जो इसके पहले भी बताई थी। तो ट से टमाटर, ट ममत मा ट र टमाटर। फिर ठप्पा, ठ प आधा प में अ की मात्रा, ठप्पा। डमरू, ड म रू, उ की मात्रा लगती है र में, तो डमरू। फिर ढक्कन, ढ क आधा क न है ना, क क आधा और क पूरा और न, ढक्कन, ण से कुछ नहीं है। उसके बाद त से तब, तबला, त ब लमतला, तबला। थ से थरमस, थरमस। फिर द से दमकल, द म क ल दमकल। ध से धनुष, ध लमतनुष। फिर न से नल, न ल। तो ये शब्द इनसे बन गए। अब ट
ट टमाटर का, ठ ठप्पे का, ड डमरू का, ड ढक्कन का, न फिर थ तबले का, थ थर्मस का, द दमकल का, द धनुष का, ल नल का। ओके, तो ये शब्द हमने इस तरह से आपको कुछ मतलब व्यंजन पढ़ाए, व्यंजन से हमने शब्द बनाए और शब्द कैसे बने वो भी बताए, क्या है पिक्चर बना के उसके नीचे हमने वो शब्द बना के भी आपको बताए। तो जिस तरह मैंने पढ़ी उसी तरह आपको भी पढ़ना है, और इसको कॉपी में लिखते हुए, कॉपी में मेरे सामने लिखते हुए और पढ़ते हुए वीडियो सेंड करना है होमवर्क के तौर पे आपको। तो वीडियो जरूर बना के भेजेंगे तो मेरे को समझ में आएगा कि आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो बच्चों को मतलब इसको पढ़ाते हुए आप वीडियो सेंड करेंगे कि बच्चा किस तरह से पढ़ना सीख रहा है, कि ट टमाटर का, जैसे मैंने पढ़ी ट टमाटर का, तो इसी चीज़ को देखते हुए उस बच्चे को भी पढ़ना है कि ट टमाटर का, जैसे हम क्लास में पढ़ाते वैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।